रीमेक है ऑफ तेलुगु फिल्म जिसका के नाम था सिनेमा चुपिस्ता मामा, ठीक है जी। शादी करने की सोच रहा। अब तक तुझे बाप ने माला, अब ससुर। अभी तो खाली टीजर छोड़ा है तो पानी पानी होके निकल गया। निकल के अंदर इन्होंने सिर्फ एक पार्ट दिखाया अभी, और इसका भी सेकंड पार्ट यानी कि वो जो एंड में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल अब्बास कोरिया। तो जी अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज फर्स्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो जी आज जिस मूवी पे हम लोगों ने रिएक्शन देना है, ये एक नई आने वाली फिल्म है और फिल्म का नाम है बैड बॉय। बैड बॉय, ठीक है जी। ये फिल्म है जी क्या कहते हैं मिथुन दा, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की, जिनका के नाम है नमाशी चक्रवर्ती, और इनके ऑपोजिट जो हीरोइन है वो भी डेब्यू कर रही है, उनका नाम है अमरीन। ये दोनों डेब्यू कर रहे हैं इस मूवी के अंदर, ठीक है जी। और ये जो मूवी बनाई गई है वो बनाई गई है राजकुमार संतोषी की तरफ से, और वो बहुत ही पुराने डायरेक्टर, वो काफी फिल्में वगैरह उन्होंने बनाई हुई है। और इसका जो म्यूजिक है वो हिमेश रेशमिया की तरफ से दिया गया। हिमेश रेशमिया की तरफ। और अगर हम इस मूवी को देखें ना, ये मूवी एक रीमेक है ऑफ तेलुगु फिल्म जिसका के नाम था सिनेमा चुपिस्ता मामा, ठीक है जी। ये 2015 में रिलीज हुई थी। इसका जो बजट था वो 10 करोड़ था और जो इसकी लाइफ टाइम कलेक्शन हुई थी वो 25 करोड़ हुई थी इंडियन रुपीज ना, जो कि एक बहुत ही यानी कि बड़ी कलेक्शन थी। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दी कि मिथुन दा के बेटे ने डेब्यू कर रहे हैं, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखा जाए तो जॉनी लीवर भी हैं। आई थिंक मिथुन दा का भी कोई छोटा मोटा रोल है इस मूवी के अंदर। तो चले देखते हैं इसका ट्रेलर। Stay with us. नमिकी चक्रवर्ती, अमीन इंट्रोड्यूसिंग। स्टेट टॉपर 996 आउट ऑफ 1000, इसे कहते हैं हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड। ओम गुलाटी फ्रॉम बार्सिलोना। बाहर से क्या लाना है? और हर साल की तरह इस साल भी आपका बेटा फेल। कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। बेटा गुंडा पाप मवाल, क्या टाइटल है पिक्चर? सुपर शादी करने की सोच रहा। अब तक तुझे बाप ने माला, अब ससुर। जॉनी लीवर बोल तो अभी जिंदा है। बात बैक बोल इश्क दिया हेरा हीरन अंकल यानी कि इसका अंकल। ओ मेरे यारा इंस्टा विच स्टोरी वेख तेरी ओ दिलदारा वेख दे नींदूड़ी मेरी। हेलो ससुर जी। ससुर जी मत कहो। ओके अंकल जी। अंकल भी मत कहो। तो क्या कहूँ? कुछ नहीं। ओके मिस्टर कुछ नहीं जी। ओके मिस्टर कुछ नहीं जी। कंगल कर दूंगा। पहले से कंगल है, कबड्डी का बेटा है। सॉन्ग की वो देखो ना, तो वो पुरानी वो लग रही है, पुरानी सॉन्ग की म्यूजिक वर्ड। हॉल अच्छा है, हमारे बाथरूम से तो बड़ा ही है। हमारा बाथरूम इससे ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमें तो बड़े बाथरूम की जरूरत नहीं है, हम तो एक एक करके ना। आप लोग जब जब तू खुश हुआ है ना, तब तब मैं बर्बाद हूँ। जनाबे अली, ये वो आगे में जनाबे अली, जनाबे अली, मैं कहीं कारा ना। ये गुंडा, ये मवाली, इसमें क्या देखा तुमने? रघु मुझे दिल से प्यार करता है, प्यार बिना किसी शर्त के। हाउ डेयर यू। हाथ मत उठाना। क्या करेगा? दीवाना हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, और ऋतु के लिए कुछ भी। कुछ भी वो मिशन आया, मिशन का रिस्क रोल पे ही हुआ है। जनाबे अली, मैं कहीं का रहा। जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली। अभी तो खाली टीजर छोड़ा है तो पानी पानी होके निकल गया। निकल बंगाली तो ये शहर छोड़ के भाग जाएगा साला। मैं कहीं का जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली। लास्ट में बैड बॉय, बिल्कुल सही। जी म्यूजिक। तो जी ये था जी बैड बॉय का ट्रेलर। इसके अंदर अगर देखा जाए ना तो नमाशी चक्रवर्ती ने
काफी अच्छा वो लगा है मुझे। पहले तो मूवी को अगर तो मैं स्टोरी देखूं तो मुझे तो अभी तक स्टोरी यही समझ लगी है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़का टोटली यानी दो ऑपोजिट डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ फॉल इन लव, और लड़की का बाप ये रहना हो रहा है कहां मेरी बेटी और कहां ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वो कोई लव स्टोरी दिखाई गई है। और सेकंडली अगर आप देखें तो इसके अंदर मुझे शुरू तक तो वैसे काफी देर तक तो कॉमेडी मूवी ही लगी है, ठीक है ना, कॉमेडी लगती रही है मूवी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ट्रेलर के अंदर इन्होंने सिर्फ एक पार्ट दिखाया अभी, और इसका भी सेकंड पार्ट यानी कि वो जो एंड में जो इन्होंने छोड़ सा वो एक्सीडेंट दिखाया, वो इसकी मूवी का कुछ होगा जिसके अंदर के कोई वो रोल प्ले किया जाएगा और डिफरेंट करेगा थोड़ा सा इस स्टोरी को। हाँ, नमाशी का अगर देखे ना इसके अंदर तो ना उसकी एक्टिंग भी काफी अच्छी लग रही है, वरना आजकल जो जो भी है आते हैं ना स्टार किड्स वो वही बॉडी शॉडी ये वो होता है, लेकिन इसके अंदर मुझे लग रहा है कि शायद वो अपनी एक्टिंग और डांस वगैरह पे जरा ज्यादा उसको जोर दे रहा है, फोकस ज्यादा कर रहा है। वो देखते हैं कि होता क्या है इस मूवी का। लेकिन और मिथुन दा का भी छोटा सा बस एक ही सीन आता है एंड दैट्स इट, जो कि शो कर रहा है कि अभी इस मूवी का एक दूसरा पहलू भी होगा। लेकिन अभी देखने में यही लग रहा है, पहले लगा कि कॉमेडी है वो उसके जॉनी लीवर के डायलॉग्स और उसके, और लड़के ने भी काफी ज्यादा वो की है कॉमेडी की है उन्होंने सारी वो है। नहीं अच्छी लग रही है मूवी, और म्यूजिक भी देखा जाए तो म्यूजिक मुझे ना ये 90s का या वो अर्ली 2000 वगैरह का ना सादा म्यूजिक स्लो स्लो इस तरह का लग रहा है। लेकिन ये तो जब मूवी आएगी तो फर्दर ही वो पता चलेगा। वैसे 28 अप्रैल को मूवी रिलीज हो रही है, तो बेस्ट ऑफ लक टू नमाशी। नमाशी के लिए हमारी तरफ से बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक कि मूवी अच्छी लग रही है, उनकी मूवी बहुत ज्यादा अच्छी चले। तो इसी के साथ ही हम अपने रिएक्शन का एंड करते हैं। तो आपको भी अगर हमारा ये रिएक्शन पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।